आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार, उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आपके लिए TCS I1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड से आपके लिए 12 जून सेकेंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन रिव्यू एंड एनालिसिस लेकर के आ चुके हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आप टेस्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड है उमंग10, इसको आप यूज़ करेंगे तो उसके इसमें आपको पूरा का पूरा 39 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है। और आज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल ऑफर है कि आज यदि अगर आप लोग टेस्ट बुक पास को परचेज करते हैं तो उसके इसमें आपको 6 मंथ का टेस्ट बुक पास बिल्कुल फ्री मिलता है। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करिए, हमारा कूपन कोड अप्लाई करने के बाद आसानी से आप टेस्ट बुक पास को परचेज कर सकते हैं। तो मैम, क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? पेपर अच्छा था, बस CS के लेवल कुछ अधिक थे। हाँ? बाकी मैथ्स इतने सारे सॉल्व होने वाले थे जी। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? पेपर ठीक था, मतलब था मॉडरेट से हाई लेवल था। मतलब जो अच्छा से तैयारी करके आया उसके लिए ठीक था जी। कितना अटेम्प्ट किया आपने? एक मिनट रुकिए, कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 88 अटेम्प्ट किया। 88 आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैंने ठीक ही किया। कितने सही हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं, निगेटिव तो कम मैंने किए हैं, लेकिन अब तो आंसर के आने के बाद ही पता चल पाएगा। अच्छा, आज का थोड़ा जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन की बात करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस याद हैं? हाँ जी बिल्कुल, कुछ कुछ तो याद है। जैसे बताइए, स्पोर्ट्स का कोई क्वेश्चन देखने को मिला हो? स्पोर्ट्स का तो नहीं, लेकिन एक सागर से कुछ क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन जो सबसे ज्यादा खारे वाला सागर है। हाँ, इसमें बाल्टिक सागर, लाल सागर, मृत सागर, यही सारे कुछ कुछ ऑप्शन थे। सर, आपका यूट्यूब चैनल हम मोबाइल पे देखते रहते हैं, वहाँ पे बिहार में जहाँ पे हम लोग रहते हैं। हाँ। और काफ़ी अच्छा लगता है, एग्जाम से रिलेटेड आप जो इन्फॉर्मेशन सब देते रहे, एग्जाम रिव्यू देते रहते हैं। हाँ। दैट्स वाज वेरी गुड एंड इंस्पायरिंग फॉर मी। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? पेपर वाइज मतलब जो बैंक सब का तैयारी किया होगा, SSC बैंक सब का तैयारी किया होगा, उसके लिए क्वाइट ईजी होगा। और जो सिर्फ रेलवे का तैयारी किया होगा उसके लिए भारी होगा। अच्छा, कितना अटेम्प्ट किया आप? हम 94 किया, उसमें से कितने सही हो जाएंगे? मोर देन 85। अच्छा, तो आज का थोड़ा सा करंट अफेयर वाले सेक्शन की बात करेंगे। रुकिए एक मिनट, हेलो, दो मिनट। करंट अफेयर्स के जो आप लोग का 50 नंबर का जो वेटेज था करंट जनरल अवेयरनेस का, उसमें करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन थे लगभग? अप्रोक्सीमेटली करंट अफेयर्स वही 8 to 10, 8 से 10। यस, करंट अफेयर का वेटेज कितना था? करंट अफेयर का मैक्सिमम 5 से 6 था, क्योंकि वो PM स्वनिधि पायलट परियोजना, उसके बाद जो कितना फंड था उस सब के बारे में पूछ रहा था, जो कि अमूमन स्टूडेंट को याद नहीं, कौन सा श्रीनगर में कौन सा पायलट योजना लागू किया गया है। हाँ। अल्पसंख्यक वाला, वो सब पूछ रहा था। हाँ हाँ, तो बाकी के जो क्वेश्चन थे वो आप लोगों का कहाँ से थे? स्टैटिक वाला पोर्शन से था, क्वेश्चन काफ़ी डीप से थे। हाँ। बुंदेलखंड में कौन सा डांस किया जाता है। हाँ। और उसके बाद जो है सो काला सागर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, अमेजन फॉरेस्ट जो है वो कहाँ से था। हाँ। और उसके बाद इसी तरह टाइप से क्वेश्चन थे। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए, हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन देखने को मिला? हाँ, हिस्ट्री का क्वेश्चन तो था। हर्षवर्धन का संबंध किस वंश से है, एक ये क्वेश्चन। हर्षवर्धन का संबंध किस वंश से है? हाँ, उसके अलावा और कोई क्वेश्चन हिस्ट्री का? हाँ, और भी क्वेश्चन था, जैसे कि बहरीन मस्जिद कौन से शासक ने बनाया था। बहरीन मस्जिद कौन से शासक ने बनाया, बीच में किस शासक ने बनाया था। हाँ, यही क्वेश्चन। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? पेपर मॉडरेट। आप यहाँ रुक जाओ, भाग कहाँ रहे हैं? भागना नहीं है आपको, 5 मिनट। मेरे हिसाब से मॉडरेट था। हाँ, GK थोड़ा सा था, लेकिन मैथ्स आसान था, रीजनिंग भी आसान था। कितना अटेम्प्ट किए? हम 94 अटेम्प्ट किए। कितने सही हो जाएंगे? एक्यूरेसी तो है, मतलब हो सकता है 80 अबव भी होगा, 90 के बीच में ही होगा। अच्छा, हाँ। अवार्ड्स वगैरह के कोई क्वेश्चन देखने को मिले आज? अवार्ड्स के क्वेश्चन तो नहीं थे, म्यूजिशियन एक था। क्या क्वेश्चन? वो माइंड में नहीं, क्या माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन वो US से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। US में कौन सा पुरस्कार कब दिया जाता है? एग्जैक्टली हम रिमेम्बर याद नहीं, वो US में ही प्राइज दिया जाता है, उस तरह से क्वेश्चन था। मतलब कौन सा डेस्टिनी से एक और है, डायनेस्टी से एक कोई, हर्षवर्धन जो राजा है वो कौन से, हाँ कौन से मैथ्स में SICI के क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन थे, क्या था
राकेश अस्थाना, वो क्या था राकेश अस्थाना, राकेश अस्थाना जो था। और एक क्वेश्चन था कि राकेश अस्थाना वाला दिल्ली पुलिस वाला क्या क्वेश्चन, दिल्ली अभी दिल्ली पुलिस के राकेश अस्थाना कौन से हैं, सीबीआई प्रमुख हैं, दिल्ली पुलिस आयुक्त कौन है, कौन सा पोस्ट है वही सर। और एक क्वेश्चन था ये वाला, चुनाव आयोग ने मतलब खर्च की अवधि कितना लिमिट कर दिया है, एक वो क्वेश्चन था। यूपी में कितना मतलब वो दिया गया है चुनाव के लिए, चुनाव आयोग ने कितना अमाउंट मतलब उसमें कंट्रीब्यूट किया है, इलेक्शन कमीशन मैक्सिमम अमाउंट खर्च कर सकते हैं। फ्लॉक डांस से शायद लोसार, लोसार लोसार का था, फेस्टिवल था, फेस्टिवल के क्वेश्चन था, एक लोसार फेस्टिवल का क्वेश्चन था, मतलब उसमें कौन सी जनजाति लोसार फेस्टिवल जो सिक्किम में मनाया जाता है वो कौन से, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश वो कौन से जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ये था क्वेश्चन। बुक्स एंड राइटर का कोई क्वेश्चन नहीं, बुक्स राइटर का बुक्स एंड राइटर कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन, कैलेंडर से एक क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन कैलेंडर का ही था, चार या पांच क्वेश्चन थे सीटिंग अरेंजमेंट के, पांच चार या पांच क्वेश्चन था, वो भी टफ टफ क्वेश्चन थे और कोडिंग डिकोडिंग से था, बनाने के लायक का नहीं था सर, मैंने लेंदी था, बहुत लेंदी था, जितना खास कर रीजनिंग का बहुत ही लेंदी था, मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव था, मैथ बहुत ही कैलकुलेटिव था। तो लेवल सिक्स के मुकाबले लेवल फाइव का पेपर कैसा था? जी मैंने लेवल सिक्स तो नहीं दिए थे। अच्छा मतलब आपने रिव्यू देखा था? हाँ रिव्यू तो मैं उससे ये, लेकिन लेवल कम ही था। लेवल सिक्स से लेवल यहाँ पे लड़का लोग प्रैक्टिस करके आया था, वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं किया होगा, यहाँ पे जो है सो जान के बूझ के आया था, तो कि जो क्योंकि नवीन कुमार सिंह ने बता दिया था कि जो लड़का एसएससी सीजीएल या बैंक का टेस्ट सीरीज लगाएगा उनको जो है सो बेनिफिट होगा, और वो बेनिफिट यहाँ पे मिला। अच्छा वो बेनिफिट जिन्होंने बैंक का रीजनिंग या जीके को टच किया होगा वो यहाँ पे बेनिफिट में होंगे, और एसएससी से क्वेश्चन से अभी जितने भी थे वो मैक्सिमम लड़के बेनिफिट में होंगे। रीजनिंग बहुत ही लेंदी था, क्वेश्चन था वो क्वेश्चन दिया हुआ था बैंक में जो, आप लोग भी और नहीं सर ठीक ठीक, बैंक में जो इनइक्वालिटी क्वेश्चन रहता है ना वो क्वेश्चन दिया गया था, जो कि पहले पहले आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, लेकिन इस बार से पूछा गया है, और आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, और जीके का जो लेवल था वो मॉडरेट लेवल था, आसान नहीं था, वो जो अच्छे तैयारी कर गए होंगे वो बना सके होंगे, बाद बाकी मैथ्स जो है वो लेंदी था। क्या बता रहे थे क्वेश्चन अभी? वर्षावन को अमेजन सेल्वाज वर्षावन को किसका फेफड़ा कहा जाता है, कौन से महादेश का फेफड़ा कहा जाता है, कौन से मतलब दक्षिण अमेरिका नॉर्थ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका होगा। और इसके बाद मुझे याद नहीं है एक्चुअली, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। क्वेश्चन था ट्रांसफॉर्मेशन करके मेढक का जो है सो जब अंडा बनता है म्यूटेशन, अभी याद आया मतलब मैंने अटेम्प्ट नहीं करा था। टोटल कितना क्वेश्चन था फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिलाकर? फिजिक्स का तो एक भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं था, फिजिक्स का कोई क्वेश्चन, फिजिक्स का तो नहीं, एक ज्योग्राफी का एस्थेनोस्फेयर का संबंध किससे, कुछ इस टाइप से था जिसमें अर्थ क्रस्ट मेंटल इस तरह से था, हाँ एस्थेनोस्फेयर एक ये था। अच्छा अच्छा, और केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन नहीं, केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं, एक था ये एसिड वाला, अच्छा जो सबसे मतलब जो दुर्बल एसिड होता है वो वाला, एच एफ वाला सबसे वीक एसिड कौन सा होगा, एच एफ होगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला करके टोटल कितना क्वेश्चन था? ऑलमोस्ट चार से पांच क्वेश्चंस था, सभी साइंस मिला के चार से पांच क्वेश्चंस था। कितना अटेम्प्ट किया आपने? भाई 100 के अलोंग किए हैं। कितने सही हो जाएंगे? देखिए 70-20% एक्यूरेसी होना चाहिए। हाँ अच्छा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कोई क्वेश्चन, यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ? हां यूनिसेफ का था कि कौन सा ये दिया गया है, यूनेस्को का था कि कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज, गोवा का कोई ये नहीं मतलब कोई सिटी था जिसको मतलब कब उसको कब यूनेस्को द्वारा उनको मतलब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसको दिया गया था नाम, इस तरह क्वेश्चन था कुछ। अच्छा उसके अलावा नेबरिंग कंट्री से कोई क्वेश्चन, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका? नेबरिंग कंट्री से कोई क्वेश्चन नहीं था। एक क्वेश्चन था आपको केप कैमरून वाला था, जो केप कैमरून जो है सो आपको कहाँ पर है? अच्छा तो स्टेट वो नीचे केरल में है। और मैथमेटिक्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैथमेटिक्स तो बता ही दिया, लेंदी था काफ़ी, कैलकुलेटिव था, लेकिन बनने लायक था, ऐसा नहीं था कि उसको नहीं बना सकता था, बनने लायक था। अच्छा तो टाइम सफिशियंट लगा? टाइम हाँ ठीक ही ठाक था, टाइम ठीक था। ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन? ज्योग्राफी में वही वो अमेजोन वाला, अमेजोन रिवर वाला। उसके अलावा? उसके अलावा तो फिलहाल इंडिया में जो भी पहाड़ नदियाँ वगैरह है
इंडिया से आपको क्वेश्चंस, इंडिया में जनरली आपको पूछा गया था ये डांसिंग, ये फॉल्क वगैरह सब होता है ना, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा गया था, त्यौहार का क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन ये लैंड साइट्स वगैरह ये सब का नहीं पूछा गया था। रेलवे का एग्जाम था, रेलवे से कोई क्वेश्चन नहीं, रेल से कोई क्वेश्चन नहीं था। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, हाँ एक क्वेश्चन था। क्या था? वही वो मतलब ई प्रोम वाला था, जिसको हम इरेज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। एक 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 और था, आई पी एड्रेस वाला भी था, दो था। हाँ दो था, दूसरा था आपको आई पी एड्रेस वाला था कंप्यूटर में। क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली? मतलब वही तो, तीन चार आईपी एड्रेस कौन इसमें से नहीं है, सो ऐसा क्वेश्चन था। पॉलिटी से कोई क्वेश्चन? पॉलिटी से क्वेश्चन था, हाँ था, संविधान से दो तीन क्वेश्चन था। क्या था? एक था आपको मतलब 5 से 11 आर्टिकल 5 से 11 का, किस चीज के लिए, क्या करना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? ठीक था पेपर, ठीक था। चलिए ठीक है, थैंक यू, अब जाना भी होगा। मैथमेटिक्स में कोई ऐसा टॉपिक जिससे कि ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया हो? मेरे समझ से उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा ही आएगा और ठीक था वो, ज़्यादा टफ नहीं था, बनने लायक था। नेक्स्ट हम लोग लगभग रीजनिंग में कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन था? रीजनिंग में आपको पजल सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन था, और इनइक्वालिटी से क्वेश्चन था, कुछ सिलोगिज्म के क्वेश्चन थे, और कुछ थे आपको डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन थे। बस इतना ये सब टॉपिक को टच किया गया इसमें। ठीक है, स्पेस प्रोग्राम से कोई क्वेश्चन? स्पेस से क्वेश्चन था, जो मतलब इंडिया से किस देश का लॉन्च किया गया है, इस तरह का कुछ क्वेश्चन था। अच्छा, PSLV से। सरकारी योजनाओं से कोई क्वेश्चन? हाँ योजना से भी था। क्या था? वही मनरेगा में कितने दिनों का मतलब जो वेजेस दिया जाता है, इस तरह का क्वेश्चन था। और उसके बाद फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया? पर्सनालिटी में अवार्ड में था, अवार्ड में था पर्सनालिटी का, याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो कुछ अवार्ड के बारे में पूछे थे, फुकाकू अवार्ड था, इस तरह का कुछ क्वेश्चन था। अच्छा, पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा भी कोई क्वेश्चन? कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा नहीं, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं, एक ही क्वेश्चन था पॉलिटी में। फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया? वो तो हो ही गया, वही अवार्ड से रिलेटेड। ठीक है, मैथमेटिक्स में थोड़ा बताइएगा, नंबर सिस्टम वगैरह का क्वेश्चन था? था, नंबर सिस्टम था, कैलकुलेशन था। तो क्या लगा जो पूरा क्वेश्चन आप देख पाए थे, सारे के सारे क्वेश्चन? सारे तो नहीं देख पाए, लेकिन ऑलमोस्ट कोशिश किए देखने का, लेकिन जो बनने लायक था उसको जरूर देख लिए। तो कितने क्वेश्चन आप देख भी नहीं पाए? कुछ क्वेश्चन हाँ, तो 110 के आसपास देख सके। 10 क्वेश्चन आप देख भी नहीं पाए? देख नहीं सके, तो थोड़ा मॉडरेट लेवल का था वो, इजी लेवल का नहीं था। अच्छा, मतलब उसको देखे और बना नहीं पाए, या फिर देखे ही नहीं? नहीं, उसको स्किप कर दिए उसको, मतलब मार्क फॉर रिव्यू में स्किप कर दिए, मतलब इतना टाइम था कि आप देख पाए उसको? देख पाए, हाँ देख पाने में दिक्कत नहीं। ठीक है, और एंट्री में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं? एंट्री में वही आपको आधार कार्ड का कैप्चरिंग हो रहा है, फोटो लग रहा है, बस ये दो चीज। और मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ हेल्प हो रहा है? मॉक टेस्ट से हेल्प तो होता है, जो अच्छा मॉक टेस्ट दिए होंगे वो यहाँ पे अच्छा कर किए होंगे। आप मॉक टेस्ट लगाते थे? नहीं, जनरली हम उतना नहीं लगाते थे, जितना हमको लगाना चाहिए तो उतना नहीं लगाते थे। वही आपको कोई वेबसाइट ये नहीं था, प्रॉपर वेबसाइट नहीं था, कहीं से भी लगाते थे सब। अच्छा, तो क्या लगता है अभी ऑनलाइन एजुकेशन का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ऑनलाइन एजुकेशन हेल्प किया आप लोगों का आज की जनरेशन में? ऑनलाइन एजुकेशन का तो हाईली इम्पैक्ट है इस पर। हाँ। अगर मान लीजिए आप इंटरनेट के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो उससे आपको ज़्यादा ही बेनिफिट है ऑफलाइन के वनस्पति अगर देखा जाए तो, इसलिए ऑनलाइन स्टडी को तो हम लोग इसको ज़्यादा मतलब ये देंगे, ज़्यादा ही वैल्यू देंगे इस चीज़ को। आपका अटेम्प्ट काफ़ी अच्छा रहा, आपको क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे मेमोराइज है, आपकी स्टडी कहाँ से होती थी? सेल्फ स्टडी क्या करते थे? सेल्फ स्टडी क्या करते थे? क्या लगता है क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं? क्वेश्चंस कहाँ से, अब ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन इसका तो कोई ये नहीं है कहाँ से पूछा जा सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। लेकिन ये लेवल 6 दिए थे? लेवल 6 भी दिए थे। हाँ, उसमें क्वालिफाइड है? हाँ, उसमें क्वालिफाइड है। कौन सा बोर्ड? बोर्ड चंडीगढ़ है। एनआरबी चंडीगढ़। कितना स्कोर रहा था लेवल 6 में? वही 73 के आसपास है। और कट ऑफ कितना गया? कट ऑफ 72 है। अच्छा, मतलब कट ऑफ के बॉर्डर पे ही? हाँ, बॉर्डर के आसपास ही है। क्या लगता है इसका कट ऑफ कितना जाएगा? इसका भी कट ऑफ वही अराउंड जाएगा, 70 से 72 के आसपास ही इसका भी कट ऑफ जाने वाला है। और इसका क्या लगता है, रिजल्ट भी लेवल 6 के जैसा ज़्यादा जल्दी आ जाएगा या फिर इसके रिजल्ट में टाइम लगेगा? देखिए, इसमें अगर ज़्यादा कैंडिडेट है तो थोड़ा ज़्यादा समय लगना चाहिए। अच्छा, तो लेवल 6 के मुकाबले लेवल 5 का पेपर कैसा लगा आपको?
एक ही जैसा लगा, थोड़ा सा हल्का कहेंगे इसको। अच्छा। वो थोड़ा ज़्यादा टफ था, ये थोड़ा कम था। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जाम बचा हुआ वैसे स्टूडेंट के लिए और कोई फाइनल मैसेज? फाइनल मैसेज यही रहेगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा जीके सेक्शंस को अच्छे से देख कर जाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जीके सेक्शंस थोड़ा टफ पूछा गया है। टीसीएस का पैटर्न कुछ समझ पा रहे हैं? लेवल सिक्स में टीसीएस किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछ रहा था, लेवल फाइव में किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका पैटर्न का कुछ थोड़ा निकल पा रहा है? पैटर्न वो एक ही जैसा रख रहा है, पैटर्न में कुछ बदलाव नहीं कर रहा है। जैसे लेवल सिक्स में पूछा था वैसे लेवल फाइव में पूछा है। हाँ। आगे टू थ्री का है तो उसमें पता चल पाएगा कि वो किस लेवल का कैसे कर रहा है। मतलब अभी तक लेवल सिक्स जो दिए तो आपको लग रहा है टीसीएस किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न पर ही क्वेश्चन? हाँ पैटर्न पे पूछ रहा है, मतलब वो लेवल के अनुसार। जैसे लेवल सिक्स में क्वेश्चन से कुछ अलग था लेवल, और लेवल फाइव में जो उसका जो मॉडरेशन था वो थोड़ा अलग था, बस यही है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने आपके लिए सेकंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन रिव्यू लाया और हम लोग थर्ड शिफ्ट का भी एग्जामिनेशन रिव्यू आपको यहीं से प्रोवाइड करवाएंगे। तो हमारा ये एग्जामिनेशन रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं को नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।